तो आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा मिर्च का अचार। तो भरवा मिर्च का अचार बनाने के लिए मैंने पहले ये 250 ग्राम के नज़दीक मिर्च ले ली है। इनको सबसे पहले मैंने धो लिया है साफ पानी से और फिर एक सूखे कपड़े से इनको पोंछ लिया है। अब इन सभी मिर्चों के डंठल हमें अलग कर लेने हैं, ऐसे जितने भी डंठल हैं ये सारे हमने अलग कर लिए हैं। अब अलग कर लिए हैं ये, तो डंठल अलग करने के बाद हमें इन मिर्चों के बीच में ऐसे एक चीरा लगा देना है। इनको दो पीसेज में नहीं करना है, ऐसे चीरा लगा के इन सभी मिर्चों को हमें ऐसे रेडी कर लेना है। तो इन सभी मिर्चों में अब हमने बीच में चीरा लगाकर इनको रेडी कर लिया है। अब इनको हम रात भर के लिए पंखे के नीचे रख देंगे ताकि इनके अंदर जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर कंटेंट होता है वो सारा सूख जाए। इन 250 ग्राम मिर्च के लिए हमें जो मसाला तैयार करना है वो है, ये है राई। इस राई को हम, ये एक टेबल बड़ी टेबल स्पून के करीब राई है, इसको जार में डाल लेंगे हम। एक बड़ा चम्मच सौंफ, इसको भी डाल लेंगे हम, और एक बड़ा चम्मच धनिया, इसको भी एक जार में डाल लेंगे, और थोड़ा सा जीरा आप डालना चाहे तो डाल लीजिए, नहीं तो मैं थोड़ा सा डाल लेती हूँ ये। और इन सब का एक दरदरा पेस्ट बना लेंगे। इन सब को हमें दरदरा पीसना है, एक बार जार को घुमा देंगे बस बिल्कुल, और तभी मिक्सी को बंद कर देंगे। बारीक, बिल्कुल बारीक चूरा नहीं बनाना है इसका। देखिए ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब इस दरदरे पाउडर को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें एक चम्मच बड़ा नमक का भी हम इसके अंदर ही मिला लेंगे। इसमें थोड़ी सी हल्दी भी हम डाल लेंगे, ये डाल लेनी चाहिए, ठीक रहती है हल्दी। और फिर इन सब को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए ये सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया और ये मसाला मिर्चों में भरने के लिए रेडी है। आप इसको तैयार करके डिब्बे में स्टोर करके भी रख सकती हैं। तो अब जो हमने ये मिर्च पंखे के नीचे सूखने के लिए रखी थी ये तैयार हो गई। इसके अंदर जो पानी वगैरह था वो फिनिश हो गया है। तो अब हम इनको, इसमें से मसाला लेंगे थोड़ा थोड़ा, और इसको ऐसे भर लेंगे और सारी मिर्चें ऐसे ही भर के तैयार कर लेंगे। और थोड़ा सा मसाला जो हमारा बच गया है वो इसके ऊपर डाल देंगे, और फिर एक या दो नींबू इसके अंदर हम स्क्वीज कर देंगे, इसका सारा रस निचोड़ के इसके ऊपर डाल देंगे। और ये हमारी सारी मिर्चें अब रेडी है, और इनको हम ढक्कन लगा के बंद करके रात भर के लिए रख देंगे। सुबह ये नीचे भी बैठ जाएगी और इनको थोड़ा सा हिला देंगे। तो आपकी ये मिर्चें अब भरवा मिर्च खाने के लिए तैयार है। ये जल्दी से खराब नहीं होती और बिना तेल वाली मिर्च है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग।